बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं ठंड की। इस समय पूरा उत्तर भारत भयंकर शीतलहर की चपेट में है। चाहे कोहरा हो और या फिर ठंड हो, डबल अटैक ने लोगों को घर में दुबकने को मजबूर कर दिया है। वहीं विजिबिलिटी कम होने के कारण यातायात भी प्रभावित हो रहा है। कई ट्रेनें घंटों की देरी से चल रही हैं, जबकि कोहरे के कारण कई फ्लाइट्स को रद्द किया गया है। दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ आज विजिबिलिटी शून्य रही। वहीं इस बीच गरीबों का हाल भी बेहाल है। तस्वीरें आपके सामने हैं कि रैन बसेरों की क्या स्थिति है। दूसरी तरफ अलाव का सहारा लिया जा रहा है, लेकिन ठंड जारी है। वहीं दिल्ली की अगर हम बात जिस तरह से कर रहे हैं, हाथ कपा देने वाली यहाँ ठंड, जहां गरीब लोग फ्लाईओवर्स के नीचे सर छुपाने को मजबूर है। यही रही 2 जून की रोटी के लिए दिन भर कड़ी मेहनत करने वाले इन लोगों को अब ठंड से बचने के लिए रोजाना 10 से 20 रुपए देकर किराए पर कंबल और रजाई लेनी पड़ रही है। दिल्ली में रैन बसेरों में भी पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं है, जिसके कारण लोग बेहाल हैं। बता दें कि दिल्ली में अब तक ठंड के कारण 9 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में रैन बसेरों में कितनी सुविधाएं हैं, इसका रियलिटी चेक किया इंडिया 24/7 संवाददाता ब्रजेश श्रीवास्तव ने। घना कोहरा और शरीर को कपकपा देने वाली ठंड में जिंदगी अब दुश्वार होती जा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा जिंदगी दुश्वार उन लोगों की है जो रैन बसेरों में अपनी रातें काटते हैं। दरअसल सरकार ने रैन बसेरों के इंतजाम तो किए हैं, उससे जरूर कुछ राहत जरूर है, लेकिन उसके बाद भी जो इंतजाम है वो पूरे पुख्ता नहीं है। हम इस समय ISBT के रैन बसेरों के आसपास हैं। अब देखिए ये लाइन से यहाँ पर सरकार ने रैन बसेरे जरूर बनवाए हैं, लेकिन सुबह का समय है, जबरदस्त ठंड है। बावजूद उसके इस पूरे रैन बसेरे के आसपास कहीं पर भी कोई अलाव के इंतजाम नहीं है। एक चीज ये बताइए, यहाँ अलाव का कोई इंतजाम है? नहीं है जी, नहीं है जी, कोई इंतजाम नहीं है। नहीं। है? यहाँ ठंड लगती है? हाँ ठंड तो लगती है, ठंड लगती है। हाँ। ये टेंट है, जो टेंट में सोते हो, टेंट से ऊपर से ठंड आती है? हाँ ऊपर से आती है ठंड, आती है। किस तरह से रात गुजारते हो अपनी? क्या करें, उसे मजबूरी में गुजार लेते हैं। तो इंतजाम अगर कह सरकार कहते हैं सारे इंतजाम किए हैं, कोई मौत नहीं हो सकती ठंड से, कोई नहीं मरेगा, ऐसा है? ठंड से मर रहे हैं लोग कि नहीं? मर रहे हैं लोग, तो मर रहे हैं। हाँ तो कितने लोग अब तक यहाँ पर इसमें मौत हो चुकी है? यहाँ पर बहुत लोग हो चुकी है, बहुत लोग हो चुकी है। तो उनका क्या करते हैं, उठा ले जाते हैं? ले जाते हैं, उठा के फेंक देते हैं गटर में, और क्या, बस। तो क्या इंसान की जिंदगी कोई मायने नहीं रखती? ना कोई मायने नहीं, कोई मायने नहीं। अच्छा आप लोग एक चीज बताओ, यहाँ पर मतलब क्या लकड़ी अकड़ी का कुछ किसी तरह का कोई इंतजाम नहीं? कोई इंतजाम नहीं है, लकड़ी फकड़ी। एक बंदा मर गया, कहाँ पर मरा है बता रहे? बताओ आप ही बताइए कुछ, यहाँ पर इंतजाम कितनी दिक्कत होती है यहाँ पर? यहाँ पे तो बहुत प्रॉब्लम है, ठंड से एक आदमी पुल के नीचे मर गया है। और यहाँ टेंट में ही मौत हुई है? टेंट में कल हुई थी एक बंदे को मौत। हाँ क्यों मौतें हो रही हैं यहाँ पर? सरकार कहती इंतजाम है, तब भी क्यों मौत हो रही है? ठंड में इतनी जगह नहीं है ना टेंट में, टेंट की तो यहाँ कमी है। टेंट में इतनी जगह नहीं, यहाँ पर लकड़ियाँ क्या कहते हैं, शमशान घाट से लकड़ियाँ? शमशान घाट से लकड़ी लाई आप, जब यहाँ पे एंट्री कराएंगे जब सोने देंगे रैन बसेरे में। मतलब शमशान घाट से लकड़ी लेके? हाँ सरकार के पास लकड़ी नहीं कि मतलब वो जलवा सके? सरकार के पास लकड़ी कहाँ लकड़ी देगी? तो क्या कहते हैं, यूँ कहते हैं हम कहाँ से लाए, शमशान से घाट से लाओ, सरकार ने हमें थोड़ी दी। सर्द रात में इन बेसहारा लोगों की जिंदगी का सबब, जो जिंदगी हर दिन जद्दोजहद करते हैं कि आखिर आज रात की को उनकी जिंदगी बच पाएगी या नहीं, तमाम बदनसीब ऐसे भी हैं जो अब तक इन्हीं टेंट्स में अपनी जिंदगी खत्म कर चुके हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन पीयूष के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, इंडिया 24/7। तो ये हमने आपको बताया रैन बसेरों का हाल क्या है, लेकिन बद इंतजामी का आलम यहाँ पर यह है कि ठंड से मरने के बाद शव लावारिस हालत में पड़े हैं, कोई पूछने वाला है ही नहीं। किस तरह की अव्यवस्था है ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता ब्रजेश श्रीवास्तव। जिस तरीके की दिल्ली में बेतहाशा ठंड पड़ रही है, उस ठंड से एक के बाद एक मौतों का सिलसिला जारी है। लेकिन सबसे बड़ी जो असंवेदनशीलता की इंतहा यह है कि इन मौतों के बाद भी सरकार इन्हें स्वीकारती तो है ही नहीं, इसके साथ ही जो मौतें हो रही हैं उनको भी, उनके साथ किस तरह सलूक होता है उसकी तस्वीर देखिए। इस शख्स की मौत कई दिनों पहले हो चुकी थी, लेकिन आज तक ना तो दिल्ली सरकार और ना ही दिल्ली प्रशासन के किसी भी नुमाइंदे ने जहमत उठाई कि इस शव को ले जाकर अंतिम संस्कार करा दें। और ये केवल एक मात्र शव नहीं है, बल्कि केवल इसी ISBT पुल के नीचे 3 डेड बॉडी पिछले कई दिनों से पड़े हुए सड़ रही हैं, लेकिन उसे उठाने की किसी ने जहमत नहीं उठाई।
भला इससे बड़ी असंवेदनशीलता और क्या होगी। और सबसे बड़ी मजबूरी देखिए, हम आपको ये दिखा रहे हैं कि यहाँ 100 पड़ा हुआ है और इसी रो में 300 पड़े हुए हैं, और 300 के बीच में लोग अपनी जिंदगी काट रहे हैं, यहीं पर रह रहे हैं, यहीं पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। एक चीज ये बताओ, ये 100 यहाँ पर कितने सारे 100 पड़े हैं? सब लाशें कितनी पड़ी हैं यहाँ पर? सब तो एक इधर पड़ा हुआ है जी, और एक उधर बताए। कब से पड़े हैं ये? 3-4 दिन हो गया जी। एक चीज ये बताओ, पुलिस को खबर नहीं दी या दूसरे अधिकारी को? खबर दिया यहाँ का 2-3 बंदे ने, पुलिस को खबर किया, पुलिस नहीं आया, बोला वहाँ जाओ वहाँ जाओ, कोई नहीं आया जी। नहीं आया है? कोई नहीं आया जी। अच्छा, आप लोग एक चीज ये बताओ, और बाहर सोते हैं ये तो... बताओ, यहाँ पर लाश पड़ी है, यहीं पर सोते हो, खबर नहीं दी अधिकारियों को? खबर दी है जी सर, वार्डनर जी सर, जी सर सर को तलब खबर दी है। ऐसी बात नहीं है, हम लोग अपने माँ पा के पाँव में से आते हैं, माँ पाँव में से जाते हैं, हम लोग अपने बच्चे लोगों में से खेल धूल करते, यही सब। कितनी लाशें पड़ी हैं यहाँ पे? नहीं नहीं तो अभी तो हाल फिलहाल में 2 लाशें तो हम लोगों को दिख रही है, और इधर बीच में 1 लाश पड़ा होगा, 3 लाश। बिल्कुल, तो शायद इससे बड़ी मजबूरी कुछ नहीं होगी। यकीन मानिए कि इस खबर को दिखाते हुए हम विचलित हो रहे हैं, हमारी आंखें विचलित हो रही हैं। ऐसे में हम ये आपको तस्वीरें तो नहीं दिखा सकते कि ये जो शव है किस हालत में है, लेकिन कहीं ना कहीं इस सरकारी अमले पर तरस जरूर आता है, और उन सियासतदानों पर तरस आता है जो आम आदमी की नुमाइंदगी की बात करते हैं लेकिन इंसानों को और जानवरों में कोई फर्क नहीं करते हैं। सवाल यह है कि आखिर कब जागेगा प्रशासन और कब जागेगी सरकार। दिल्ली से कैमरा पर्सन पीयूष के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, इंडिया 24/7। तो देखिए, ये स्थिति है, ये राजधानी दिल्ली की स्थिति है, जहां ठंड पड़ रही है, ठंड का यू टर्न हुआ, लेकिन ठंड की वजह से व्यवस्थाएं जस की तस हैं। चाहे बात हो रैन बसेरों की, या फिर बात हो अलाव की, या फिर बात हो तमाम व्यवस्थाओं की, गरीबों के लिए बातें तमाम की जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो गरीब तबका सड़कों पर रात बिताने को मजबूर है, जिनके पास 2 जून की रोटी तक नहीं होती है, वो इस ठंड में सबसे ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। और यही हम तस्वीरें दिखा रहे थे कि ठंड जितनी जानलेवा है, जो आंकड़े आए, NGO के आंकड़े ने यह भी बताया कि करीब 9 लोगों की मौत हो चुकी है, हालांकि सरकार की तरफ से उसकी कोई पुष्टि नहीं की जाती है। और अब स्थिति ये भी है, जो हमारे संवाददाता की रिपोर्ट हम देख रहे थे, कि ISBT के पास ही जिस तरह से लावारिस 2 से 3 लाश वहां पर है, लेकिन उसकी शिकायत करने के बावजूद भी ना तो प्रशासन की तरफ से, ना ही पुलिस की तरफ से कोई भी कदम उठाए गए। तो ये स्थिति है राजधानी दिल्ली की। चलिए हम रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता ब्रजेश ही जुड़ गए हैं इस खबर पर, और देहरादून से सोनू है हमारे साथ। ब्रजेश, आपकी रिपोर्ट हम देख रहे थे, मौसम की स्थिति क्या है ये भी सबको मालूम है, मौसम ने तो अचानक यूटर्न लिया है, ठंड का यूटर्न हो गया है, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं, ये राजधानी दिल्ली की स्थिति है कि यहाँ पर गरीबों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आपके रिपोर्ट के जरिए हम समझ रहे थे कि रैन बसेरों की क्या स्थिति है, अलाव की कोई व्यवस्था नहीं है, और अब ये जो तस्वीर आपने ISBT की दिखाई है, वहां पर इतना असंवेदनशील होना, शिकायत करने के बावजूद भी किसी भी तरह से कोई हरकत में नहीं आना, ये तमाम तरह के सवाल खड़े करता है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये असंवेदनशीलता की इंतहा है, क्योंकि जिस तरीके से कल भी हमने अपनी रिपोर्ट दिखाई थी और बताया था कि किस तरह से एक शख्स की लाश यहाँ काफी दिनों से पड़ी है और एक शख्स की मौत हो सकती है, और आज उसकी मौत भी हो गई, उसके साथ एक डेड बॉडी और, यानी कि 300 यहाँ पर पड़े हुए हैं, जिसमें से 200 तो काफी दिनों से पड़े हुए हैं और एक की मौत देर रात हुई है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासनिक अमले में से किसी ने भी यहाँ आने की जहमत नहीं उठाई। सबसे बड़ी बात यह है कि ये तब की बात है जब खुद दिल्ली सरकार, जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनके प्रतिनिधि कहते हैं कि हम पूरे इंतजाम कर रहे हैं और अगर कोई अधिकारी लापरवाही करेगा तो कार्रवाई करेंगे, और पिछले साल की अपेक्षा इस बार हम लोगों ने 2 गुनी व्यवस्थाएं की हैं। ये उन व्यवस्थाओं की वानगी है कि आखिर किस तरह की व्यवस्थाएं की हैं कि 100 को उठाने तक के लिए कोई अधिकारी, कोई जो है प्रशासनिक कर्मचारी मौजूद नहीं है, तब भला किस तरह की जिंदगी जीने के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं होंगी, ये हमने आपको दिखाया। किस तरीके से लोग शमशान की लकड़ी ला करके जला करके आग ताप रहे हैं, अपनी जिंदगी चला रहे हैं, भला इससे बड़ी दुश्वारियां और कुछ नहीं हो सकती। और सवाल ये है कि ठंड ने अपना यू टर्न लिया है, लेकिन मौसम ठंड का है और सारे प्रशासनिक अमले को, सरकारी अमले को मालूम है कि ठंड के समय ठंड विकराल होती है और दिल्ली की ठंड हर किसी को मालूम है, लेकिन उसके बाद भी व्यवस्थाएं क्या थी, तो आप ये रोना नहीं रो सकते हो कि यहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं थी। आपने ठंड शुरू होने से पहले दावे किए थे
कि हमने जगह जगह पर रैन बसेरे बिल्कुल तो वो तमाम दावों की पोल ही खुलती दिख रही है ब्रजेश, समझ सकते हैं हम स्थिति को कि सिर्फ बातें कही जाती हैं लेकिन जहां पर अमल करने की बात होती है वहां पर कोई स्थिति जिस तरह की है वो ही सवाल खड़े करते हैं। चलिए देहरादून का रुख करते हैं, सोनू बने हुए हमारे साथ। सोनू, देहरादून के मौसम की स्थिति भी बताइए, वहां पर पहाड़ी इलाकों की बात करें, मैदानी इलाकों की बात करें, बर्फबारी हो रही है और कोल्ड का अटैक वहां भी जाहिर सी बात है काफी होगा, मौसम को देखते हुए वहां पर व्यवस्थाओं की क्या स्थिति है? देखिए, कोल्ड अटैक का कहर लगातार जारी है और आम जनजीवन पूरी तरह से इससे प्रभावित हो गया है। पहाड़ हो या मैदान, सभी जगह ठंड का कहर लगातार जारी है और ऐसे में जो व्यवस्थाएं हैं वो मुकम्मल नजर नहीं आ रही है, जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त नजर नहीं आ रही है। जहां जहां पर अलाव जलाने की बात कही जाती है नगर निगम के द्वारा, जो स्थानीय प्रशासन के अधिकारी उनके द्वारा जो दावा किया गया है वो हकीकत में नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा जो रैन बसेरे हैं वहां पर लोगों के ठहरने के लिए जो सुख सुविधाएं उनको दी जानी चाहिए, मसलन गर्म कपड़े उनको दिए जाने चाहिए, वो नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि शासन प्रशासन खुद तो एसी कमरों का आनंद उठाने में जुटा हुआ है और जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं ठंड से कर्रा रहे हैं। और जहां तक तापमान की बात है तो तापमान में 5 से 7 डिग्री का फर्क देखा जा रहा है। यदि हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो जो अधिक ऊंचाई पर्वतीय क्षेत्र है, हिमालय से जो पर्वतीय इलाके हैं वहां पर बर्फबारी नजर आ रही है और इस बर्फबारी की शीत लहरों ने आम आदमी के हाड़ कपा रखे हैं। यदि हम देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार की बात करें तो यहां देहरादून में भी वही स्थिति है। तमाम बातें दावे किए जाते हैं वो सब दावे चुनावी मौसम के दौरान होते हैं लेकिन जब सत्ता मिल जाती है तो ये सब बातें हवा हो जाती हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे पास ये जानकारी हम तक देने के लिए। तो कई जगहों की हम बात करें, यहाँ पर हालात ये हैं कि लोग ठंड से बचने के लिए कूड़े को जलाकर आग का सहारा ले रहे हैं और इसी स्थिति का जायजा लिया हमारे संवाददाता ब्रजेश श्रीवास्तव ने। इन्हें देखिए किस तरीके से ये जिस अलाव को जला रहे हैं, इस अलाव को देख करके आपको इन सरकारी योजनाओं का और सरकारी नुमाइंदों की इस पूरी कारस्तानी का कहीं ना कहीं आपको खुलासा मिल जाएगा। ये सारे लोग इस आग के सहारे बैठे हुए हैं। दरअसल इस आग को देखिए, जो जल रहा है वो एक कोई पुराना जूता है, इसमें कुछ प्लास्टिक के ग्लास हैं और दूसरे अन्य चीजें हैं, मतलब कूड़े के ढेर पर इनकी जिंदगी चल रही। किस तरह से कूड़े को लाते हैं, उसको जलाते हैं और उसके बाद किसी तरीके से ये अपना काम चला रहे हैं। एक चीज ये बताओ, ये तुम लोग जूते वगैरह जला रहे हो, क्यों जला रहे हो कूड़े वगैरह? ऐसा है कि सर हम लोग को कुछ यहाँ लाने का चीज है तो है नहीं, कूड़े ही कबाड़ा लेके जलाते हैं। ये हमारे को हाथ सेकने का काम आ जाते हैं, जैसे कपड़े हुए, प्लास्टिक के हुए, अन्य चीजों को हम जलाते हैं। अच्छा, एक चीज ये बताओ, ये कहते ये बहुत मतलब इससे नुकसान करता है, जिस तरह प्लास्टिक से जलाते हो तो मालूम है तुम लोगों को नुकसान करता है? जी हाँ, मालूम तो है नुकसान करता है, मगर ठंड के कारण तापना पड़ता है, ठंड इतनी है, नुकसान तो करता है वो तो मालूम है, मगर ठंड के कारण तो तापना पड़ता है, ठंड इतनी लगती है। तो ये सारे लोग कहते हैं कि कम से कम हम जो दिल्ली सरकार को काम करना चाहिए, जो यहाँ के सफाई कर्मचारियों को, एमसीडी को काम करना चाहिए, वो काम शायद हम लोग करते हैं। दरअसल इस दिल्ली का जितना कूड़ा है उसको हम लोग अलग अलग जगह से इकट्ठे करते हैं और उनको जला करके हम अपनी जिंदगी चला रहे हैं किसी तरीके से, क्योंकि इतनी सर्दी के बीच में बगैर आग के जिंदगी गुजार पाना बेहद मुश्किल होता है। लेकिन ये त्रासदी ही है कि ये कूड़े के ढेर पे जूते, प्लास्टिक और दूसरी चीजों को जला करके अपनी जिंदगी चला रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक कूड़े के ढेर पर ये जिंदगी कब तक चलती रहेगी? दिल्ली से कैमरा पर्सन पीयूष के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, इंडिया 24/7। तो कड़ाके की ठंड के चलते ना सिर्फ लोगों के जनजीवन पर असर पड़ रहा है, ट्रेनों की आवाजाही भी काफी हद तक प्रभावित हो रही है। आज कोहरे के चलते 35 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं, जबकि 14 ट्रेनें लेट चल रही हैं। वहीं एक ट्रेन के समय में भी बदलाव किया गया है और इसी के चलते मुसाफिरों को अब काफी मुश्किल हो रही है। तो सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं है बल्कि पूरी दुनिया पर कोल्ड अटैक हुआ है। अमेरिका से लेकर जापान तक लगातार बर्फबारी हो रही है और किस तरह से बर्फबारी जिंदगी पर भारी पड़ रही है, हम अब आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, उनके जरिए देखिए। एक तरफ अमेरिका है जहां और दूसरी तरफ है जापान। बर्फबारी भी हुई है, ठंड भी बढ़ी है। तो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि बर्फबारी और ठंड का अटैक पूरी दुनिया में है।
तो अमेरिका में लगातार भारी बर्फबारी हो रही है। अमेरिका के मौसम विभाग ने आगे आने वाले दिनों में कई हिस्सों में भारी बर्फबारी और कड़ाके की ठंड पड़ने का अंदेशा जताया है, जिसके बाद से अब स्कूलों में को बंद करने और इमरजेंसी सर्विसेज के लिए तैयार रहने को कहा गया है। बर्फबारी के हालात यहां पर यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को किसी प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए जाना हुआ था तो उन्हें खराब मौसम में निकलना ही पड़ा। बर्फबारी और शीतलहर के थपेड़ों के बीच ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपना सफर पूरा किया। आपको बता दें कि अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में भी बर्फबारी 2 फीट तक हुई है। अमेरिका के तमाम हिस्सों में मौजूद हाईवेज का भी ये हाल है कि बर्फबारी के चलते यहाँ चलने वाले ड्राइवर्स को काफी एहतियात बरतनी पड़ रही है। बर्फबारी के चलते ही सड़कों पर बर्फ जम चुकी है, जहां वाहन चलाना चुनौती साबित हो रहा है। और अमेरिका ही नहीं, जापान में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। यहां भी भारी बर्फबारी हो रही है। जापान के होकायडो प्रांत में 80 सेंटीमीटर तक बर्फ जमी हुई है। सड़कें बर्फ की चादर से पटी दिखाई दे रही हैं। सड़कों से बर्फ हटाने का प्रयास भी किया जा रहा है। भारी बर्फबारी के चलते कई रास्ते यहां भी बंद हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बर्फबारी के चलते देश भर में अब तक 200 से ज्यादा सड़क हादसे हो चुके हैं। खबर लखनऊ से है, जहां कल हुई नेशनल हेराल्ड के शेयर होल्डर्स की बैठक में 2 बड़े फैसले लिए गए हैं। पहला, एजेएल कंपनी को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में तब्दील किया जाएगा। एजीएम में कंपनी को नॉन प्रॉफिट करने के प्रस्ताव में शेयर होल्डर्स ने मुहर लगा दी है। दूसरा, ईजीएम ने एजेएल का नाम बदलने का भी फैसला किया है। साथ ही ईजीएम ने नेशनल हेराल्ड, कौमी आवाज और नवजीवन को फिर से शुरू करने का भी फैसला किया है। इसके साथ ही ये तय हो गया है कि नेहरू की धरोहर एजेएल का नाम बदला जाएगा, यानी कि धरोहर पर कारोबार भारी पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए भले ही करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रही हो, लेकिन इससे लोगों को एक खास फायदा नहीं मिल रहा। विशेष राजस्व सचिव मनोज कुमार कन्नौज के जिला अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए अचानक पहुंच गए। इस दौरान वो अस्पताल के में गंदगी देख कर भड़क गए। रोगी सहायता केंद्र में ताला लटका हुआ मिला तो इमरजेंसी वार्ड में खुलेआम तेजाब रखा हुआ था। जगह जगह अनियमितता देखकर राजस्व सचिव मनोज कुमार ने सीएमएस को जमकर फटकार लगाई। इतना ही नहीं, करोड़ों रुपए की लागत से अस्पताल में लगाई गई मशीनों के रखरखाव को देखकर भी मनोज कुमार दंग रह गए। उन्होंने तमाम लापरवाही को लेकर बड़ी कार्रवाई करने की बात कही। तो ये तस्वीरें हैं अस्पतालों की, बदहाली की स्थिति कुछ इस तरह से है। और अब उसी स्थिति का जायजा लेने के लिए जब विशेष राजस्व सचिव मनोज कुमार कन्नौज वहां पहुंचे तो हैरान रह गए। जैसे सफाई व्यवस्था जिस स्तर की होनी चाहिए बिल्कुल नहीं है। शौचालय बहुत गंदे हैं, जहां डॉक्टर बैठता है वो स्थान भी बहुत गंदा है। पेशेंट्स जहाँ पे लेटाए जाते हैं, ट्रीटमेंट किया जाता है, वो जगह भी इन्फेक्टेड है। और जो ड्यूटी है वो ड्यूटी भी प्रॉपर नहीं लगी हुई है, कितने लोग हैं नहीं है कुछ पता नहीं चल रहा। खबर आ रही है फरुखाबाद से। यहाँ किसानों ने पंचायत में अधिकारियों के सामने रिश्वतखोरी की पोल खोलने पर जमकर हंगामा किया। किसानों ने कारगुजारियों की परत दर परत खोलते हुए अफसरों की बोलती बंद कर दी। और उधर सुधार निगम के अधिकारियों पर किसानों के शोषण का आरोप लग रहा है। विकास भवन सभागार में चल रहे किसान दिवस के दौरान गरीबपुर जोधपुर के किसानों ने उसर सुधार निगम के परियोजना प्रबंधन पर रिश्वत लेने के आरोप लगाए। तो रिश्वतखोर अफसर के खिलाफ किसानों का यह हल्लाबोल हुआ यहाँ पे फरुखाबाद में, जहाँ किसानों ने पंचायत में अधिकारियों के सामने रिश्वतखोरी की पोल खुलने पर हंगामा मचा दिया। नहीं, इसमें थोड़ा कम कीजिए। बिल्कुल नहीं है, ऐसा है, फोरम नहीं है, आपने बता दिया। सुनिएगा,